हेलो दोस्तों, आज हम बात करने हैं उत्तराखंड की एक और नई भर्ती के संबंध में न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें आपको यहाँ पर 1700 पदों की भर्ती देखने को मिल जाएंगे और इसके आदेश यहाँ पर हो चुके हैं जारी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर हो चुका है जारी। और इसमें जो है क्या कहा गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है क्योंकि लगभग जो है अब आपकी 1700 पदों की भर्ती देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी पोस्ट इसमें देखने को मिलेंगी वो आपको भी बता देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रेक्षक जो कि यहाँ पर डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा जो कि सचिव हैं उत्तराखंड शासन के द्वारा, और ये जो है यहाँ पर पुलिस महानिदेशक को भेजा गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं 17 दिसंबर को भेजा गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट है। और इसमें यहाँ पर पुलिस विभाग में जो आरक्षी और उप निरीक्षक पद हैं उन पदों के रिक्त पदों की भर्ती की जाने के संबंध में, यानी कि आपके जो SI लेवल की पोस्ट हैं और यहाँ पर कांस्टेबल की पोस्ट है उन सभी की भर्ती करने के जो है आदेश यहाँ पर हो चुके हैं। और इसमें कहा गया है कि महोदय उपयुक्त जो यहाँ पर विषयक पुलिस महानिदेशक कार्मिक उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय जो कि पत्रांक संख्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2/12/2021 को यहाँ पर जो है संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, और जिसके द्वारा यहाँ पर पुलिस विभाग में जो यहाँ पर आरक्षी एवं उप निरीक्षक जो संवर्ग है उस पर जो है रिक्त पदों पर जो है भर्ती हेतु उत्तराखंड अधिनियम सेवा आयोग को जो है अध्याचन प्रक्षेपित किया गया है। तो ऑलरेडी अध्याचन प्रक्षेपित कर तो दिया है लेकिन नियुक्ति पद से अभी तक जो है भर्ती नहीं निकाल पाए, तो इसमें यहाँ पर क्या गया, अतः इस संबंध में जो है मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि समय विचारों उपरांत जो है उत्तराखंड पुलिस विभाग में जो है आरक्षी संवर्ग के जो है कुल जो आरक्षी इनके आपके जो पुलिस कांस्टेबल के आरक्षी के पद हैं 1521 पद हैं, और वहीं आपके उप निरीक्षक यानी कि जो SI की पोस्ट हैं कुल यहां पर 197 पोस्ट हैं, तो उन पदों पर जो है रिक्त पद पर भर्ती की जाने की अनुमति जो है प्रदान की जाती है, और कृपया जो है तदनुसार जो है अग्रणित कार्रवाई जो है करने का जो है कष्ट करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर जो है जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करने के जो है आदेश जारी कर दिए हैं, जो कि यहाँ पर सचिव के द्वारा यहाँ पर 17 तारीख को ही दिसंबर में आदेश जारी हो चुके हैं। तो यानी कि अब जो है इसकी भर्ती करने के आदेश हो चुके हैं, ऑलरेडी योग्यता परीक्षा के पास पहुँच चुके हैं और नियमावली की जो है जो भी नियमावली है उसी के अनुसार जो है ये भर्ती का प्रोसेस आपका आ जाएगा, और कुछ दिन के बाद ही यहाँ हो सकता है कि एक वीक के अंदर ही ये भर्ती आपको देखने को मिल सकता है इन पदों पर। लगभग जो है 1521 जो है कांस्टेबल की पोस्ट हैं, इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, महिलाओं की थोड़ी कम है, और वहीं यहाँ पर SI की पोस्ट है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे SI की पोस्ट की, जो कि दोनों का नोटिफिकेशन जो है जल्दी आपका आ सकता है, जो कि काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ आने वाले हैं, तो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है क्योंकि अब ये भर्ती जो रुकी हुई थी इनके पद जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे।